हेलो दोस्तों, वेलकम इन टू माय चैनल कार जानकार। आज हमारे पास है टीवीएस एंटॉर्क और आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये जो टीवीएस एंटॉर्क है, ये है सुपर स्क्वाड एडिशन एवेंजर वाली है और कैप्टन अमेरिका आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब ओवरऑल लुक इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और भागने में भी बहुत बढ़िया है। और आज मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि कितने महीने में इसे चला चुका हूँ, कितने किलोमीटर में इसे चला चुका हूँ और लगभग और कितना मैं इसे चलाने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी की जो कंडीशन है, 3 महीने लगभग हो चुके हैं, 3 महीने में इतनी ही है, मतलब सही है। लगता अभी भी है कि नई गाड़ी है क्योंकि जब आप इसे वॉश वॉश करेंगे तो काफ़ी बढ़िया चमकती है। और बाकी तो प्लास्टिक बॉडी है, तो प्लास्टिक बॉडी पे जितना आप इसे धुलेंगे उतनी ये गाड़ी बेस्ट लगती है। बाकी अगर बात करें कि मैंने किस पर्पज़ के लिए गाड़ी ली थी, तो मैंने, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया चलती है। चलने का मतलब ये है, ये गाड़ी मेरे यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। बस एक चीज़ इसकी ख़राब लगती है, वो है माइलेज, क्योंकि तेल इसका कहाँ पता नहीं कहाँ चला जाता है कि कुछ कहने को नहीं हो। बाकी तो ओवरऑल लुक को तो मैंने आपको दिखाई दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं LED हेडलैम्प सेटअप है, काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब जब रात में चलती है, क्या दिन में बहुत चमकता है ये। और यहाँ पे मैंने कुछ एसेसरीज लगवाई थी और जिस एरिया में हमने इसे लिया है उस एरिया में ये गाड़ी मतलब एंटॉर्क कोई नहीं लेता है, तो इसी वजह से इसकी एसेसरीज आने में इतना टाइम लगा था। लगभग 2 महीने बाद तो इसकी एसेसरीज आई थी, वो भी जानते हैं कब लगी थी इसमें, जब ये एक्सीडेंट हो गया था। और बाकी तो यहाँ पे ये सीट कवर लगवाई है, सीट कवर की क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब जो डिग्गी है, डिग्गी बंद होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि बूट स्पेस इसका कैसा है, बेकार बूट स्पेस है। हेलमेट तो बड़ी मुश्किल से ही इसमें आता है, क्योंकि मैंने कई बार रखने की कोशिश किया है और जब हम इसको लॉक करके जाते हैं डिग्गी को, डिग्गी पहली बार सही से लॉक नहीं होती है और ये डर लगा रहता है कि भाई डिग्गी अचानक से कहीं खुल ना जाए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैजिंग दी गई है रेस ट्यून्ड की, और सही में रेसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, बाइक को टक्कर देती है। और बाकी अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो स्मार्ट कनेक्ट लिखा हुआ है और बाकी यहाँ पे TVS की बैजिंग है और यहाँ पे एवेंजर का लोगो, इसकी के लिए तो गाड़ी बड़ी फेमस चल रही है। और बाकी तो आप ओवरऑल लुक देख ही चुके हैं। चलिए आपको बताता हूँ कि मैंने इसे कितने किलोमीटर चला लिया है। मीटर दिखाने से पहले आप इसकी कुछ ऐसी की देख लो, काफ़ी बढ़िया की है और लगभग मतलब लगता है बढ़िया लगता है, क्वालिटी ऑलरेडी मतलब लगती कि भाई यहाँ किसी तगड़ी गाड़ी की ही की है। और बाकी तो इसके जो साइड फुट स्टेप है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो, और सही है। बाकी तो अपना इसमें बढ़िया चल ही रही है सुपर स्क्वाड एडिशन की राइजिंग जी। इसका कुछ ऐसा मीटर है, बाकी यहाँ पे आप कंसोल में देख सकते हो क्या क्या बटन दिए गए हैं। ये आपको पास लाइट के लिए इंडिकेटर स्विच इसका काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और अगर हम बात करें हॉर्न की, तो हॉर्न भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं आपको एक बार चला के दिखाऊंगा। सेल्फ स्टार्ट का बटन है और ये हज़ार्ड लैंप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जब आप बारिश वारिश में कहीं भी चलते हैं तो इसे जला लेते हैं, बहुत ही बढ़िया भौकाल रोला बन जाता है। यहाँ पे इंजन कट ऑफ स्विच दी गई है और यहाँ पे एंटॉर्क की 125 बैजिंग सुपर सोल्जर। और बाकी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और TVS मतलब लगभग गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बनाई है। चलिए अब मैं आपको मीटर चेक करा देता हूँ एक बार। तो चाबी यहाँ पे लगती है और इंटीग्रेटेड लॉक नहीं आता है इसमें डिग्गी का, क्योंकि डिग्गी के लिए ये, अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिग्गी यहाँ पे यहाँ से खुलती है। अगर आप बाहर की तरफ घुमाएंगे मतलब क्लॉकवाइज तो ये डिग्गी खुलेगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आपका फ्यूल टैंक खुलेगा। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या गाड़ी में है क्या नहीं है। इतने किलोमीटर में इसे चला चुका हूँ, अगर आप लोग को क्लियर विजिबल होगा तो। और यहाँ पे अभी रिजर्व में लग गई, बताइए अभी इसमें 2 पॉइंट दिखा रहा है, रिजर्व में लग गई है। यही थोड़ा सिस्टम इसका हल्का सा मुझे ख़राब लगता है। और सुबह वीडियो शूट हो रही है दोस्तों बड़ी मेहनत से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी वीडियोस हम अपडेटेड आपके लिए लाते रहेंगे। ईको पावर मोड मतलब ऑल टोटल इसमें अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स मोड आपको दिया जाता है। 84 अभी मैंने इसको एक दिन चलाया था, ये लोगों का रिएक्शन इस पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहता है। और अगर हम बात करें कि इसमें आपको और क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। 0 to 6 सेकंड में 60 की स्पीड पकड़ लेती है और लेकिन सिंगल पैसेंजर में पकड़ती है। बाकी LED DRL कुछ इसकी ऐसी लगती हैं और सुपर सोल्जर पीछे से कुछ इसका लुक ऐसे लगता है, बाकी तो आप लोग देख ही सकते हो। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइडिंग रिव्यू, तो राइडिंग रिव्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। अगर आप इसे माइलेज के लिए लेना चाहते हैं तो अगर आप इकोनॉमी में चलाएंगे तो काफ़ी बढ़िया चलेगी, 60 तक ये सिंगल पैसेंजर में इकोनॉमी में भागती है। बाकी इसकी ब्रेकिंग और कंट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 118 kg की गाड़ी है। तो चलिए अब मैं इसको लेकर निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे मतलब इसका हॉर्न है और कैसे सब कुछ है। तो दूसरी लोकेशन पे चलते हैं,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इसका राइडिंग एक्सपीरियंस मतलब सही है। जिस हिसाब की गाड़ी है और काफ़ी बढ़िया भागती भी है, और अभी तो मैं इसे भगाऊंगा नहीं क्योंकि मैं 100 चला ही रहा हूँ। और ब्रेकिंग इसकी यहाँ जो पीछे वाली आती है इंटीग्रेटेड आती है। और बाकी एक बार मैं आपको इसके एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ एक बार अच्छे से कहीं पे। और गाड़ी लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपको ये बात तो मतलब जब आप चलाएंगे ना तो आपको ज़रूर ये बात पता चलेगी। तो आपको दिखाते हैं, बाकी यहाँ से इंजन का व्यू कुछ ऐसा है। बाकी चलिए आपको स्टार्ट करके सुनाते हैं। अगर आपको रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके पास एंटॉर्क है या नहीं। अगर एंटॉर्क नहीं तो कौन सी आप स्कूटी या बाइक चलाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसका हॉर्न कुछ ऐसा है, आप लोग ध्यान सुनिएगा, ऐसा इसका हॉर्न है और काफ़ी बढ़िया है। और लगभग मतलब गाड़ी यहाँ पर चल चुकी है और 3 महीने से हो चुके हैं और फिर भी गाड़ी बढ़िया चल रही है, सर्विस की तो हो चुकी है। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ज़रूर, और प्लीज़ बने रहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। और ऐसे ही अगर आप सपोर्ट बनाए रखेंगे और तगड़ी गाड़ी लाई जाएगी उसका भी रिव्यू किया जाएगा। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनाया है। और चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।